Hello students, welcome back to my channel English Explainer. In this video, I will be summarizing a poem, The Eve of Saint Agnes, which was published in 1820 and written in 1819. The Eve of Saint Agnes. यहाँ पर the eve means the evening of Saint Agnes. Saint Agnes एक type of occasion है. Basically एक इस तरह की evening है जिसमें जो maidens होती हैं वो fast रखती हैं और उनके इस फास्ट रखने से, इस तरह के थोड़े बहुत रिचुअल्स को परफॉर्म करने से वो अपने हस्बैंड या फिर फ्यूचर लवर के विजन्स देख सकती हैं कि कौन उनका हस्बैंड बनेगा. और इन देयर ड्रीम्स एक तो वो उन्हें देख सकती हैं और दे कैन हैव फीस्ट विद देम. तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं. कीट्स ने ये पोएम तब लिखी थी जब वो इल थे और ये पोएम रिटन है, इट इज़ रिटन इन 42 स्पेंसेरियन स्टेंजास और ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है. इस पोएम में एक लेडी है मेडलिन जो कि यंग मेडन है और सेंट एग्नीस की ईव के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. उसने एक लेजेंड सुना है कि इस इवनिंग में अगर कोई भी मेडन उसके जैसी मेडन फास्ट रखती है और अपवर्ड देखकर जब वो बेड पे लेटती है और ऊपर देखकर सोते हैं तो उनको उनके लवर्स या फिर फ्यूचर हस्बैंड्स दिखाई देते हैं सपनों में. अब मेडलिन जो है उसका एक लवर है पोर्फिरो. ये जो स्टोरी है द ईव ऑफ सेंट एग्नीस, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं मैंने. एक तो मेडलिन है और उसका लवर पोर्फायरो. अब अगर हमने विलियम शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट पढ़ी है तो रोमियो एंड जूलियट और ये स्टोरी यानी कि ये पोएम दोनों लगभग बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करते हैं. और ऐसा इसलिए कि रोमियो और जूलियट में रोमियो की फैमिली और जूलियट की फैमिली आपस में दुश्मन थे. उसी तरीके से पोर्फिरो और मेडलिन की फैमिली भी इसी तरीके से सेम दुश्मन है एक दूसरे के, बट ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं जैसे कि रोमियो एंड जूलियट पड़ जाते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि रोमियो एंड जूलियट लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है और काफ़ी ट्रैजिक एंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हमें हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है. अब आगे होता क्या है कि मेडलिन जो होती है वो एक पार्टी में जाती है और इस पोएम की बिगनिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि एक चर्च में एक बीट्समैन होता है, BEADSMAN, बीट्समैन सॉर्ट ऑफ पुजारी या फिर प्रीस्ट कह सकते हैं हम, वो प्रेयर्स कर रहे होते हैं. तो कीट्स ने पोएम की बिगनिंग में जो विंटर सीजन है, विंटर का जो वेदर है, उसको बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि प्रीस्ट जब रोसरी को यानी कि जो माला जपते हैं वो प्रोसेस कर रहे थे तो उनकी फिंगर्स एकदम नम्ब हो गई थी, वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे. और जिस तरह की वो ब्रीदिंग ले रहे थे ऐसा लग रहा था कि उनकी जो ब्रीदिंग है, नॉस्ट्रल्स हैं, वो भी फ्रोजन हो गई हैं और एयर को वो ब्रीथ नहीं कर सकते. तो इतना ज़्यादा कोल्ड वेदर था उस टाइम पे. उसी इवनिंग की स्टोरी है ये. यहाँ पर मेडलिन जो होती है एक पार्टी में गई हुई होती है और वहाँ पर उस पार्टी में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता क्योंकि पूरी इवनिंग में वो यही सोचती है कि कब पार्टी एंड होगी और वो अपने घर जाएगी क्योंकि उसका फास्ट है. पार्टी में वो वैसे भी कुछ नहीं खाएगी और घर जाके उसे बस जल्दी से ड्रीम्स देखने हैं अपने लवर के. तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड और पार्टी जैसी ख़त्म होती है वो वापस अपने घर आती है, खुद को अनड्रेस करती है और अपने जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं उनको शी कीप्स असाइड ऑल ऑफ देम एंड देन शी फॉल्स अस्लीप. इसी बीच पोर्फायरो जो होता है वो इसी इवनिंग यानी कि इसी शाम मेडलिन के घर जाता है और काफ़ी चुपके से जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उन दोनों की फैमिलीज़ रिवेल्स होते हैं एक दूसरे के. कोई भी किसी को देख लेगा तो वो उसे किल कर देगा, इतने ज़्यादा वो लोग हॉट ब्लडेड होते हैं और अगेंस्ट होते हैं ईच अदर के. फिर भी पोर्फायरो ये रिस्क लेता है और वहाँ पर जाता है. वहाँ पर उसकी मुलाकात एंजेला से होती है जो कि लेडी सर्वेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है मेडलिन की. मेडलिन से वो कहता है कि उसे मेडलिन के रूम में ले चलो, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है और वापस जाने को कहती है क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और वो नहीं चाहती इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो. वो काफ़ी समझाती है पोर्फिरो को लेकिन पोर्फिरो मानता नहीं है. एट लास्ट पोर्फिरो उसको एक कंडीशन देता है कि अगर तुम मुझे नहीं ले चलोगी और वापस जाने को बोलोगी तो फिर मैं यहाँ शोर मचा दूंगा, सब आ जाएंगे और फिर मैं उनको ओपनली चैलेंज करूँगा फाइट करने के लिए. अगर तुम ये सारी चीज़ें चाहती हो तो ठीक है बता दो, नहीं तो मुझे मेडलिन के रूम में ले चलो, उसके चेम्बर में ले चलो. तो फाइनली एंजेला जो होती है वो मान जाती है और पहले से ही वो पोर्फिरो को जानती भी थी और उसे पता है कि ही इज़ अ गुड जेंटलमैन। फिर वो उसको ले जाती है मेडलिन के रूम में। मेडलिन के रूम में वो उसको हाइड कर देती है और फिर वो खुद चली जाती है। अब पोर्फिरो यहाँ पर मेडलिन को बहुत ही ब्यूटीफुली उसको देखता है और ही ट्राइज टू वेक हर अप। और मेडलिन इसी टाइम पे ड्रीम्स देख रही होती है पोर्फिरो के। पोर्फिरो को उसको विजन आता है। फिर पोर्फिरो क्या करता है, इन ऑर्डर टू वेक हर अप, उसे उठाने के लिए वो उसी चेम्बर में एक ल्यूट होता है जो कि मेडलिन बजाती है, उससे वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है और फिर फाइनली वो उठ जाती है। गाना सुन के जब मेडलिन उठ जाती है, वो देखती है कि पोर्फिरो उसके साथ है। उसको लगता है वो अभी भी ड्रीम में ही है, शी इज़ ड्रीमिंग, बट एक्चुअल में बहुत ही पोर्फिरो को कन्विंस करने के बाद उसको उठाने के बाद वो बताता है कि इट इज़ नॉट अ ड्रीम, मैं यहाँ पर एक्चुअली आया हूँ। तो ये सारी सिचुएशन देखिए वो और ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है ओ शिट, अब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। फिर पोर्फिरो उसको फाइनली बोलता है जो कीट्स ने बहुत ही ब्यूटीफुली वे में यहाँ पे कंपेयर किया है कि जिस तरीके से अ लवर यानी कि पोर्फिरो मेडलिन से मिलने आता है, ये उस तरीके से है जैसे कि एक जो पिलग्रिम होता है, एक जो भक्त होता है, वो किसी भी टेम्पल में एक गुड डील ऑफ एफर्ट करके पहुँचता है। तो उतने ही एफर्ट्स करके यहाँ पे पोर्फिरो अपनी बिलवड से मिलने आया होता है और वो उसको कहता है कि वो वाउ लेता है कि मैं मतलब मेडलिन तुमसे इटर्नली मतलब बहुत इटर्नल लव करता हूँ। और वो उसको बोलता भी है, बहुत कन्विंस करता है कि लेट अस गो अवे क्विकली, और हम यहाँ से बिल्कुल भाग चलते हैं और कोई भी हमें देख नहीं पाएगा क्योंकि जहाँ पर पार्टी चल रही है वहाँ पर अभी भी लोग हैं। और वो सारे गेस्ट बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस है क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी हैवी ड्रिंक की थी उस नाइट पे यानी कि उस इवनिंग पे। तो इससे पहले कि मॉर्निंग हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग अप्रोच कर रही है, हम लोगों को कासल से इमीडिएटली एस्केप कर लेना चाहिए। मेडलिन भी क्विकली रेडी होती है, ऑल्दो वो काफ़ी अफ्रेड होती है इस डिसीजन से, बट शी इज़ ऑन द अदर हैंड शी इज़ हैप्पी कि उसको फाइनली पोर्फिरो ले जा रहा है। एंड देन दे गो। तो जब वो इस तरह से चले जाते हैं, स्टोरी ऐसे ही एंड हो जाती है ऑन हैप्पी नोट। थैंक यू।